गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी और उनके जापानी समकक्ष शिंजो आबे ने भारत की पहली बुलेट ट्रेन की आधारशिला रखी। सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि 2022 तक भारत बुलेट ट्रेन चला दी जाएगी, जिसके बाद हर कोई बुलेट ट्रेन से सफर करने के लिए उतावला है। लेकिन शिवसेना को मोदी सरकार की बुलेट ट्रेन परियोजना पसंद नहीं आ रही है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में पार्टी ने गुरुवार को कहा कि देश में आधारभूत परेशानियों का हल नहीं हो रहा है, मुंबई की लोकल ट्रेनें और भारतीय रेलवे परेशान हैं। ऐसे में मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन गैर जरूरी है। सामना में आगे लिखा गया है, विदर्भ मराठवाड़ा और कोंकण के लिए रेल प्रोजेक्ट की डिमांड से कहीं ज्यादा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है। महाराष्ट्र के सांसद व विधायक की ओर से विदर्भ मराठवाड़ा और कोंकण के लिए रेल प्रोजेक्ट की मांग की जा रही है, लेकिन इसे नजरअंदाज किया जा रहा है। इसके बदले बिना मांगे बुलेट ट्रेन मिल रही है। शिवसेना ने आगे कहा कि ये किसी को नहीं मालूम कि बुलेट ट्रेन किस समस्या के समाधान के तौर पर दी जा रही है। बता दें कि बुलेट ट्रेन की आधारशिला रखते वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधियों को जवाब देते हुए कहा कि जब बुलेट ट्रेन नहीं बन रही थी तब उनसे पूछा जा रहा था कि बुलेट ट्रेन कब बनेगी, और अब वे बुलेट ट्रेन बना रहे हैं तो पूछा जा रहा है कि बुलेट ट्रेन क्यों बना रहे हैं। मोदी का ये जवाब शिवसेना के लिए ही माना जा रहा है। बुलेट ट्रेन पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।